जो हमें चश्मे ग्लास पहनते हैं ज्यादा उससे लाइट निकलती है या फिर हम उससे ब्लूटूथ जरिए बात कर सकते हैं, पर अगर उस ग्लास से हम मोबाइल फोन के जो सारे डिटेल्स हैं उसे देख सके, जो सिर्फ चश्मा पहना वही देख सकता है, सारे के सारे डिटेल्स बाद वक्त कोई भी नहीं देख सकता, यानी कि मोबाइल से कनेक्टेड सिर्फ एक सिंगल ग्लास सिंगल मोबाइल के लिए कनेक्टेड है, वैसा ही एक गोगल आ जाए जो चश्मा पहनने के बाद मोबाइल फोन में जो काम कर रहे हैं उसको ऑटोमेटिक बाहर निकाल दे सकते हैं, यानी कि वीडियोस देख रहे तो उसको ऑटोमेटिक बाहर निकाल दे, मैसेजेस करें तो उसको भी अलग बाहर निकाल दें, किसी को वीडियो कॉलिंग करें तो उसको भी अलग बाहर निकाल दें, यानी तीन चार फैसिलिटी अलग अलग डिस्प्ले से बाहर निकाल करके चश्मे के जरिए चैटिंग करके सेंड कर सकते हैं, वैसा जो VR में देखा जाता है वैसा एकदम फुल्ली लगे एक चश्मे से, पर वो चश्मा से पहनने से नहीं होगा, चश्मा को मोबाइल फोन से कनेक्ट करें, मोबाइल फोन के डिटेल्स को चश्मे से देख सकते हैं, चश्मा को कनेक्ट करने के बाद ही ऑटोमेटिक देख सकते हैं। अगर ऐसा फैसिलिटी हो जाता है तो मोबाइल से वीडियो कॉलिंग करने का तरीका बदल जाएगा और साथ ही मैसेजेस करने का तरीका बदल जाएगा, मोबाइल फोन का इधर रखा हुआ है, इधर मोबाइल फोन में अलग काम कर रहे हैं, पर इधर से मूवीज या फिर इधर से गाना सुनना है तो इधर तुरंत हाथ स्क्रॉल करेंगे, गाना ये लगा देना है, तो फिर इधर से कुछ मैसेज करना टाइप करके उधर भेज दें, फिर इधर मोबाइल में कुछ और काम कर रहे हैं, यानी कि काम करने का तरीका बदल जाएगा और देखने का तरीका, मोबाइल फोन छेड़ने का तरीका ही बदल जाएगा। चश्मे से अगर हम अपने डाटा को बाहर निकाल करके उसे कंट्रोल कर सकें तो अगर ऐसा बन जाता है तो मोबाइल की दुनिया में तहलका मच जाएगा।